देखिए भैया, दो दिन पहले न्यूज आई थी कि द इमोर्टल अश्वत्थामा में से मेकर्स ने विकी कौशल को निकाल दिया है, बल्कि उनके बदले रणवीर सिंह को डालने का प्लान किया जा रहा है इस सुपर हीरो फिल्म में। लेकिन आज न्यूज आई है कि रणवीर सिंह भी नहीं बल्कि मेकर्स साउथ स्टार को सुपर हीरो कैरेक्टर देना चाहते हैं, और वो साउथ के सुपर स्टार है अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR सर। अभी अश्वत्थामा वाले इन्हीं दो स्टारों से बातचीत कर रहे हैं इस सुपर हीरो को बनाने के लिए। देखते हैं दोनों में से कौन राजी होता है इस फिल्म के लिए। मेरे ख्याल से NTR सर नहीं बना पाएंगे अश्वत्थामा को, क्योंकि उनका अगला 2-3 सालों तक बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। लेकिन अल्लू अर्जुन का ज्यादा चांस लग रहा है वो अश्वत्थामा को बना सकते हैं, क्योंकि उनका पुष्पा 2 के बाद एक फिल्म संदीप रेड्डी वांगा के साथ फाइनल हुआ है, जो चालू हो गई स्पिरिट रिलीज होने के बाद ही, यानी 2025 में। सो यानी कि अल्लू अर्जुन के पास काफी ज्यादा टाइम है पुष्पा 2 के बाद इस अश्वत्थामा को बनाने के लिए। वेल, अब देखना ये होगा अल्लू अर्जुन के सुपर हीरो फिल्म पसंद आती भी है या नहीं, और आपको क्या लगता है अश्वत्थामा के रोल में अल्लू अर्जुन सूटेबल हो सकते हैं या नहीं। देखिए, काफी दिनों से सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है जवान यूनिवर्स के बारे में। हाँ भाई, जवान यूनिवर्स जैसा भी कोई चीज बन रहा है, और वो बना कौन रहा है तो डायरेक्टर एटली कुमार। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, जवान में थालापति विजय सर का केमियो किया गया शाहरुख खान के साथ, लेकिन जो उनका केमियो है ना, वो असल में उनका थ्योरी वाला कैरेक्टर का है। आपको पता ही होगा विजय सर की एक थ्योरी नाम की फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किए थे एटली कुमार, और हमें फिर से इंस्पेक्टर जोसेफ कुराबिला जवान में दिख सकता है ऐसी रूमर से। भाई अगर ये सच हो जाता है तो पक्का बवाली मच जाएगा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। जहाँ शाहरुख खान का जवान का कैरेक्टर एक गुंडा मवाली का है, तो वहीं दूसरी तरफ थालापति विजय एक पुलिस वाले हैं, यानी कि शाहरुख वर्सेस थालापति विजय होने वाला है इस जवान में। और उससे भी कमाल की बात ये है, एटली कुमार जवान के बाद थालापति विजय सर के साथ ही एक फिल्म करने वाले हैं, यानी थालापति 68। क्या पता 68 फिल्म में जवान के इवेंट से कोई कनेक्शन हो और उसी के आगे की स्टोरी एटली कुमार विजय सर की फिल्म भी डाले। सो भाई, देखते हैं ये एटली कुमार अपना जवान के यूनिवर्स का बिल्डिंग कैसे करते हैं। और आप तो जानते होंगे इंडिया के जितने भी टॉप डायरेक्टर हैं सब अपना यूनिवर्स बनाने में लग चुके हैं, तो इस रेस में एटली कुमार भी क्यों पीछे रहेंगे, यानी कि इनका अभी यूनिवर्स रेडी हो रहा है जवान से ही। देखिए भाई, कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि सैफ अली खान ने NTR 30 को रिजेक्ट कर दिए, लेकिन आज बोला जा रहा है उन्होंने फिर से NTR 30 को साइन कर लिए, और वो NTR 30 का तीसरा शूटिंग शेड्यूल में चले भी जाएंगे NTR सर को ज्वाइन करने के लिए। असल में भाई, पहले आपको पूरा मांजरा समझा देता हूँ NTR 30 के अंदर अभी क्या क्या खलबली मची हुई है। एक्चुअली में पिछली बार सैफ अली खान को NTR 30 का ज्वाइन इन एग्रीमेंट पसंद नहीं आया था, शायद कोई फीस वगैरह का चक्कर था, उन्हें और ज्यादा फीस चाहिए था इस फिल्म को करने के लिए, इसलिए उन्होंने उस समय NTR 30 को कैंसिल कर दिए। लेकिन अब फिर से NTR 30 के बनाने वालों ने सैफ अली खान का फीस बढ़ा दिया है पहले के मुकाबले, सो इसलिए अब सैफ अली खान भी मान गए हैं फिर से विलेन बनने के लिए NTR 30 में। और वैसे आप बता दूं, इस NTR 30 में NTR सर का कैरेक्टर एक मछली पकड़ने वाले मछुआरा का है, और साथ में डबल रोल भी प्ले किए इस फिल्म में, बाप और बेटा दोनों बने NTR सर। और सैफ अली खान का बोला जा रहा है ये ड्रग माफिया है इस फिल्म के, जो NTR के आइलैंड पर अपना ड्रग फैलाने के मकसद से आएंगे, और उन्हीं को अपने NTR सर को रोकना है। सो देखते हैं भाई NTR वर्सेस सैफ अली खान का कैसा सीक्वेंस होता है, और दोनों का पोस्टर मेकर्स कब रिलीज करते हैं उसका भी इंतजार किया जाए। देखिए, आज सूर्या 42 से काफी बवाल लेवल की न्यूज आ गई है। कल जो 16 अप्रैल को सूर्या 42 का टाइटल आएगा, असल में एक टीजर के रूप में आने वाला है, और इस टीजर का लेंथ बताया जा रहा है पूरे 1 मिनट 10 सेकंड तक लंबा होगा। सच में भाई, कल सूर्या सर तबाही मचा देंगे अपने सूर्या 42 फिल्म से। खैर, साथ में मेकर्स ने भी रिवील कर दिए उनका फिल्म का ऑडियो राइट सारे गामा कंपनी ने खरीद लिया, और वो कंपनी जितने दाम में खरीदा है वो तमिल इंडस्ट्री का ऑल टाइम हाई प्राइस से, यानी कि थालापति विजय सर का लियो का रिकॉर्ड टूट चुका है। लियो का ऑडियो राइट 16 करोड़ में बिका था। लगता है भाई, इससे भी बड़ी मछली सूर्या सर ने फंसा ली है, यानी 16 करोड़ से भी ज्यादा दाम में सूर्या 42 का ऑडियो राइट बिका होगा। देखिए, कल काफी दिन बाद प्रभास सर की भूतिया फिल्म यानी राजा ढलक सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे थे, क्योंकि उसका शूटिंग से एक पिक्चर लीक हो गया था, जहां आप देख सकते हैं प्रभास कुछ ऐसे रूप में नजर आ रहे हैं अपनी एक्ट्रेस के साथ। और इस महिला का नाम है रिधि कुमार, जिन्हें आपने इनकी राधे श्याम फिल्म में भी देखे होंगे, जो बनना चाहते थे स्पोर्ट प्लेयर, बट बेचारे का ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों हाथ चला गया। और वही प्रभास सर की भूतिया फिल्म भी लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है, और वैसे मैं जानता हूँ प्रभास सर का ऐसा लुक आपको थोड़ा पसंद नहीं आया होगा। असल में ये राजा डलक्स हॉरर के साथ कॉमेडी फिल्म भी है,
इस फिल्म का कैरेक्टर भी कॉमेडी करने के लिए तैयार किया गया। देखिए हाल ही में ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। जो ये धर्मा प्रोडक्शन वाले करण जौहर है ना, ये अभी डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र के ऊपर। हाँ भाई, ब्रह्मास्त्र 2 के बाद एक सीरीज भी आएगी डिज्नी के ऊपर, इसमें अस्त्र वर्ष का कंटेंट होगा। जैसे डिज्नी पर द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज आता है ना, ठीक उसी विजुअल के साथ ब्रह्मास्त्र का भी सीरीज आएगा। यानी कि भैया करण जौहर हार नहीं माने, उस अस्त्र वर्ष को ग्लोबल लेवल तक पहुँचा कर ही मानेंगे। देखते हैं कब ये ब्रह्मास्त्र सीरीज हमें देखने को मिलती है डिज्नी पर और उसमें क्या क्या चीज हमें दिखाया जाता है। भैया अचानक से यश राज ने बड़ी बात रिलीज कर दी है सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म के बारे में। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, टाइगर को पठान की जरूरत पड़ने वाली है। स्वाब उसी पठान के कारण अब टाइगर 3 फिल्म का लंबाई बढ़ चुका है, क्योंकि पहले शाहरुख खान का केमियो सिर्फ 5 मिनट ही करने का प्लान किया गया था टीम द्वारा, लेकिन अब शाहरुख खान हमें पूरे 20 मिनट से ज्यादा दिखने वाले हैं इस टाइगर 3 में। और वैसे अब जान लीजिए, डायरेक्टर मनीष शर्मा ने शाहरुख खान को न्योता भेज दिया उनके स्टूडियो में आने का, क्योंकि अगले महीने केमियो शूट करना है उनको सलमान खान के साथ। देखते हैं इस बार पठान की जरूरत टाइगर को कहां पड़ने वाली है। भाई अगली खबर आ गई है टाइगर श्रॉफ की रैम्बो फिल्म से। असल में भाई इस रैम्बो को भी एक अलग फ्रेंचाइज के रूप में बनाया जाएगा, स्पाई यूनिवर्स जैसा, और इस फिल्म को प्रोड्यूस सिद्धार्थ आनंद ही करने वाले हैं। हाँ भाई, पहले न्यूज थी कि सिद्धार्थ आनंद इसको डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और अब इस रैम्बो को बनाने की जिम्मा सिद्धार्थ आनंद ने रोहित धवन को दे दिए और ये रोहित साहब फिल्म के ऊपर काम भी करना चालू कर दिए। अब पता नहीं भाई बॉलीवुड में कितने सारे यूनिवर्स बनने वाले हैं। लगता है भाई अब इंडियन सिनेमा हॉलीवुड की फिल्मों को बीट करने का प्लान बना रहा है अपने अपने सिनेमेटिक यूनिवर्स से। खैर आपको बता दूं, इस रैम्बो की शूटिंग इस साल नवंबर के महीने से चालू हो जाएगी टाइगर श्रॉफ की गणपत रिलीज होने के बाद। देखिए भाई आज दोपहर को ही अपने विधु जामल साहब भी वापस आ चुके हैं पूरे 1 साल बाद। इस फिल्म की खुदा हाफिज 2 उतना अच्छा नहीं चल पाई थी, लेकिन यह उनकी IB71 सच में तगड़ा चीज लग रहा है, जो कि रियल इंसिडेंट पर बनी है, वो भी 1971 वाला वार के राउंड। हाँ भाई वही वार जिसमें हमारे इंडिया पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश बना था, और उसी वार की स्टोरी विधु जामवाल हमें IB71 में देने वाले हैं। और इनके अलावा अनुपम खेर भी बड़े रोल में दिख रहे हैं इस फिल्म में, और मूवी को डायरेक्ट किए हैं संकल्प रेड्डी, जो कि एक्चुअली में साउथ डायरेक्टर हैं। वहाँ इन्होंने 1971 की लड़ाई के ऊपर ही एक गाजी अटैक नाम का फिल्म बनाया था राणा दग्गुबाती के साथ, जो कि काफी हिट हो गई थी उस स्टेट में। और अब संकल्प रेड्डी हिंदी में भी डेब्यू कर दिए अपनी IB71 फिल्म से। अब देखते हैं 12 मई को इस फिल्म के अंदर क्या क्या होता है। देखिए कुछ ही दिन पहले मोहनलाल सर की पहली पैन इंडिया फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर आया था, जो कि कुछ इस प्रकार का था। लेकिन अब फाइनली उनकी फिल्म मलाई कोटी बलिबन का फर्स्ट लुक भी मेकर्स ने रिवील कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें मोहनलाल सर एक रेसलर का कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो हम इस पोस्टर में मोहनलाल सर उसी अखाड़े के पहलवान जैसे दिख रहे हैं। मतलब भैया पोस्टर तो दिखने में दमदार लग रहा है, बाकी अब फिल्म की स्टोरी कैसी होगी उसी का इंतजार किया जाए। और वैसे आप बता दो, इस मल्लिकट्टू बलिबन में हिंदी से विधु जामवाल, राजपाल यादव जी और राधिका आप्टे भी हैं। यानी कि भैया अच्छी खासी तैयारी हो रही है इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने के लिए। वेल दोस्तों, आज की फिल्म मैनिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।